संजना की मदर ग्रुप सी कैटेगरी में जॉब कर रही हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है उनके फादर के बारे में बताती हैं कि उनके फादर पीएनबी बैंक में उन्होंने ग्रुप सी में क्लर्क के पद पे ज्वाइन किया था और वो ऑफिसर इसके यानी ग्रुप ए में प्रमोट हो गए फोर्टी सिक्स की एज में मम्मी और पापा इनके दोनों की सैलरी एट लैख से ज्यादा है ऐसा ये बताती है उसके साथ साथ बताती है कि उनका जो अदर सोर्सेस इनकम है जो आई का जो इनकम टैक्स रिटर्न के में जो इंटरेस्ट आता है फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट और सेविंग इंटरेस्ट वो 8 ,00 से कम है तो यानी कि इनका पूरा क्वेश्चन हो गया जिसमें इनकी मदर ग्रुप सी में है ग्रुप सी कैटेगरी में है फादर इनके ग्रुप सी में इंडक्ट हुए थे बैंक में लेकिन बाद में ग्रुप ए में प्रमोट हो गए ऑफिसर ग्रुप स्केल में आ गए मदर और फादर दोनों की इंडिविजुअल सैलरी एट लाख से ज्यादा है लेकिन जो अदर से इनकम है वो लाख से कम है तो क्या है, वो सी, के पार्ट है तो आपकी मदर गवर्नमेंट जॉब में है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो ग्रुप सी के पद पे कार्यरत है तो वो एट लैख से अगर ज्यादा भी अर्न करती है तब भी इनकम क्राइटेरिया उनप एप्लीकेबल नहीं होगा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में आती हैं। अब आपके फादर की बात करते हैं तो फादर जो कि ग्रुप सी में इंडक्ट हुए थे क्लर्क के पोस्ट पे बैंक में और बाद में वो ग्रुप ए पे प्रमोट हो गए एट द एज ऑफ 46। आपके फादर का जो स्टेटस है इसको समझने के लिए आपको एक बार रूल को देखना जरूरी है रूल तर तरीके समझने के लिए हमें ये रूल रेफर करना पड़ेगा और ये रूल मैं रेफर कर रहा हूँ बैकवर्ड कास्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप देख सकते हो इसमें ये रूल बोलता है कि इट इज क्लैरिफाइड दैट द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ पेरेंट्स ऑफ होम ओनली द हजबेंड इज अ डायरेक्टली रिक्रूटेड इन ग्रुप बी ऑफिसर्स गेट इन टू द्रुप है एट द एज ऑफ फोर्टी और अर्लियर आर ट्रीटेड टू बी क्रीमी ले ग्रुप बी में डायरेक्टली ग्रुप ए में प्रमोट हो जाते हैं वो ओबीसी क्रीमी लेर में आते हैं लेकिन वो सारे डॉटर्स जिनके फादर ग्रुप सी में या ग्रुप डी में इंडक्ट हुए और बाद में वो फोर्टी की एज या उसके पहले भी अगर वो ग्रुप ए में आ जाते हैं तब भी वो ओबीसी क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे तो संजना आपके केस में आपके फादर ग्रुप सी में आए थे और ग्रुप सी से वो ग्रुप ए में गए हैं तो इस पर्टिकुलर रूल के करस्पॉन्डिंग आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए एलिजिबल है बात है अदर सोर्सेज इनकम की तो वो आप बता रहे हैं कि वो एट लैख से कम है तो इन शॉर्ट अगर हम आपकी क्वेरी को समराइज करें तो मदर पॉइंट ऑफ व्यू से फादर पॉइंट से और अदर इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ओबीसी नॉन क्रीमियर के एलिजिबल हैं, आप ओबीसी नॉन क्रीम का रिजर्वेशन अवेल तो आज के सेशन में इतना ही अगर आप इस सारे डिस्कशन के बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें मैं उसका रिप्लाई करूंगा आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर भी लर्निंग टू इट्स बेस्ट एट द रेट जी मेल डॉट कॉम जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल दूंगा आप उस पर भी मेल कर सकते हैं आपकी आप आप क्वेरीज को रिप्लाई करूंगा और अगर जरूरत होगी तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कुछ क्वेरीज ऐसी होती हैं जो बहुत ही उनका नेचर इस तरह का होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट सेम तरह की सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं तो मैं उनके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ या मैं इस तरह के सेशन में उसको इंक्लूड करूंगा friends i am wishing you very very best of luck stay safe stay healthy and do take very very good care of yourself jai hind